युवाओं को IAS IPS बनने व सरकारी नौकरी हेतु प्रेरित करने के रूप से कुछ माह पूर्व जिलाधिकारी हीरालाल द्वारा एक दिन का अधिकारी पहल की शुरुआत की गई थी, जिस पर तरह निवासी शिवम द्विवेदी का चयन जिलाधिकारी पद पर हुआ था, जिस पर शुक्रवार व मंगलवार को शिवम जिलाधिकारी हीरालाल के साथ पूरे दिन रहकर उनके लगे कार्यक्रमों सहित जन सुनवाई में रहकर फरियादियों द्वारा आई जन समस्याओं को सुनकर तत्काल मौके पर ही निस्तारण किया। कलेक्ट्रेट के कॉन्फ्रेंस हॉल पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहकर हाल ही में आयोजित होने वाले कालिंजर महोत्सव के विस्तृत रूपरेखा सहित कार्यक्रमों की चर्चा में शामिल रहे। शिवम द्विवेदी DLED के तृतीय वर्ष के छात्र हैं। पूर्व में देश स्तर पर प्रत्येक वर्ष आयोजित होने वाली निबंध प्रतियोगिता में भी 5 वर्षों से प्रथम स्थान प्राप्त किया है। सितंबर माह में जनपद के संत कृपाल सिंह विधि महाविद्यालय में जनपद स्तरीय निबंध प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त होने पर मध्य प्रदेश के ADGP राजा बाबू सिंह व जनपद न्यायाधीश राधेश्याम यादव ने भी पुरस्कृत किया है। जिलाधिकारी के योग मुहिम पहल को अपनाते हुए योग पर रुचि होने से कस्बे अतरा में प्रतिदिन शिवम निःशुल्क योग भी सिखा रही है। गरीबों असहायों को रोटी बैंक के सदस्य के रूप में भी सक्रिय हैं। कैंसर एवं सोसाइटी नई दिल्ली संस्थान पर भी सदस्य के तौर पर कैंसर पीड़ित के लिए काम कर रही हैं। शिवम के पिता मृत्युंजय द्विवेदी अतर्रा में काश्तकार और पत्रकार हैं। मां नीतू द्विवेदी गृहिणी हैं। शिवम DLED पूर्ण कर सिविल सेवा में जाकर निचले तबके के लोगों को उठाने व शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने का काम करेंगे। भाना से संवाददाता उमेश यादव की रिपोर्ट। सर क्या नाम है आपका? शिवम द्विवेदी जी। सर आज क्या अवसर मिला आपको बनने का? मुझे जो जिलाधिकारी हीरालाल सर के द्वारा जो मुहिम चलाई जा रही है एक दिन का जिलाधिकारी, उस पर एक दिन का DM साहब के साथ में रहकर जो है सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है, उसी में अभी भी कार्यरत हूँ। किस कारण से आपको ये ऐसा अवसर मिला, क्या किया आपने, क्या विशेष किया? देखिए निबंध प्रतियोगिता भी लगातार पिछले 7 वर्षों से अव्वल स्थान है देश स्तर पर। इसके अलावा जो DM साहब जितनी भी पहल, चाहे केन नदी की पहल हो, चाहे वो आपके अरहर सम्मेलन हो, उस पर भी मैं सहभागिता लगातार करता चला आ रहा हूँ। उसी को देखते हुए सर ने मुझको भी एक दिन का जिलाधिकारी के पद पर चयनित होकर काम करने का मौका दिया। युवाओं के लिए क्या कहेंगे? देखिए युवाओं को इस ऐसी तमाम पहलों पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। और मैं जाने कितने DM बांदा जनपद पे आए और चले गए, लेकिन जो DM बांदा हीरालाल सर के द्वारा जो पहल, चाहे अरहर सम्मेलन हो, चाहे केन नदी सम्मेलन हो, इसके अलावा जो आपकी अन्ना प्रथा व जिस प्रकार से लगातार काम DM साहब कर रहे हैं, वो सब बेहद सराहनीय पहल है। उसी में मैं लगातार सहभागिता निभा रहा हूँ। DM साहब के द्वारा क्या प्रेरणा मिली आपको, क्या सीखने को मिला नया? उसी में अभी मैं सुबह से लगातार चल रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, सुबह जन सुनवाई कलेक्ट्रेट पे, इसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी रहना हुआ, तो कहीं ना कहीं उनसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। कैसे जन सुनवाई में आए हुए फरियादियों से कैसे पेश आते हैं, कैसे उनसे बात करते हैं शालीनता से, और कैसे उनका निस्तारण हेतु उनको भेजते हैं, ये सब सीखने को मिल रहा है। अच्छा DM का पद किस प्रकार का कष्टदायी होता है, क्या आरामदायक होता है, कैसा महसूस कर रहे हैं? ये बहुत सारा पूरे जनपद का लोड होता है और खुद के लिए उनके पास टाइम नहीं है। एक ऐसा पद DM का होता है कि जन सुनवाई या फिर फरियादियों की जन समस्या सुनते सुनते ही पूरा दिन निकल जाता है। ऊपर से पूरे जनपद का लोड सभी को खुश करने या सभी को जो है निस्तारण करने पूरा दिन निकल जाता है। अच्छा अधिकारियों के बीच में बैठ के आपको कैसा महसूस हो रहा है, कैसा DM बनकर लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और इस पर मैं लगातार काम भी कर रहा हूँ। और एक दिन बांदा जनपद तो नहीं, लेकिन बांदा से सीमाओं से जुड़े हुए जनपद का जरूर जिलाधिकारी बनकर सबके सामने आऊंगा।